Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of transition metals in catalysis. Catch it? New lecture. So in this video, we are going to discuss hydroformylation or oxo process. Catch it? Hydroformylation or oxo process. तो क्या होता है hydroformylation? इसी को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. और यहां पे आपको एक और नाम इसका दिख रहा होगा, ऑक्सो प्रोसेस. तो आपको जो बोलना है बोलिए, बात बराबर. इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे वो चीज पहले समझिए. सबसे पहले इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन होता क्या है. देन उसके बाद फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है सुटेबल कैटलिस्ट क्या होगा. मीन्स जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा कैटलिस्ट ज्यादा बेहतर होगा, उसके बारे में भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे. तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोफॉर्मेशन और ऑक्सो प्रोसेस लिखा हुआ है, ये हाइड्रोफॉर्मेशन होता क्या है. एक बार बस रीडिंग करना है, कुछ नया चीज नहीं है. व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन फॉर्म्ड एल्डिहाइड, This type of reactions is called hydroformylation reactions. क्या बोला गया है कि जब आपका एल्कीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन मोनोक्साइड के साथ, that is कि CO के साथ, and साथ ही साथ डाइहाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, तो जाकर के आपका बनाएगा एल्डिहाइड. और इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शंस. ये सब बस आपको एक बार रीडिंग करना है, सारा चीज कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, अभी कुछ मत लिखिएगा, बस सुनते चलिएगा, सारा बातें समझ में आने वाला है. तो यही रिएक्शंस को हम लिखते हैं. क्या करते हैं, जो अभी हम बोले इसी को रिएक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं. हम बोले कि हमको लेना होगा एल्कीन, तो हम लेते हैं एक एल्कीन, दैट इज की RCH डबल बॉन्ड CH2. ये है आपका एल्कीन. इसका रिएक्शन हमको कराना है कार्बन मोनोक्साइड के साथ, और साथ ही साथ आपको कराना है डाइहाइड्रोजन के साथ. तो यहां से जो है आपका जा करके बनेगा, वो बनेगा एल्डिहाइड. और जो एल्डिहाइड बनता है RCH2CH2CHO, ये एल्डिहाइड बनता है. और ये जो एल्डिहाइड बन रहा है वो यहां पे देखिए कि एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है. यहां देखिए दो कार्बन था, यहां देखिए आपके पास तीन कार्बन दिख रहा है. तो एक बात हमेशा याद करने वाला यहां से चीज है कि एक एक्स्ट्रा कार्बन यहां पे दिखेगा. ठीक है, तो क्या क्या हुआ यहां पे, ये था आपका एल्कीन, ठीक है, और ये है आपका कार्बन मोनोक्साइड, जानते हो, ये है आपका डाइहाइड्रोजन, और यहां से जाके आपका बना एल्डिहाइड विथ वन एक्स्ट्रा कार्बन. बाद में कंफ्यूज मत होना कि ये एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आया. ठीक है, तो ये जाके आपका रिएक्शन होता है. नेक्स्ट में देखिए आपका यहां पे क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इट इज अ कैटलिटिक रिएक्शन. ये जो है आपका कैटलिटिक रिएक्शन है. ये कैटलिटिक रिएक्शन का क्या मतलब है, मीन्स ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा. फिर से सुनिए, कैटलिटिक रिएक्शंस का क्या मतलब है, ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए, और वो कैटलिस्ट क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आप सिंपली जान के रखिए कि ये आपका एक कैटलिटिक रिएक्शंस होता है, इसको कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है. क्या होता है, कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है. अब यहां पर देखिए दो टाइप का कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, टू टाइप का कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज CO2CO4. ये जो है आपका वो है कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. क्या है, कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. और एक और हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं रूडियम कॉम्प्लेक्स, दैट इज दी RHPPH3 का होल थ्राइस COH. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रोडियम कॉम्प्लेक्स.
ठीक है। तो ये सब बातें आपको जानना चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं। इसमें दो टाइप का कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, वन इज कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एंड अनदर वन इज रोडियम कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो आपका कैटलिस्ट है इसको बहुत कम यूज करते हैं और ये कैटलिस्ट को इसके कंपेरेटिवली ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा क्यों, हम लास्ट में बताएंगे कि इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, इसका क्या एडवांटेजेस है, पर्सनली बताएंगे। लेकिन अभी जो है बस अभी आप ये जान के रखिए कि इसको कम यूज करते हैं, इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक। लास्ट में हम इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो ये देखिए, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। ये कैसा स्पीशीज होता है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। साथ ही साथ ही ये आपका क्या है, स्टेबल है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, स्टेबल है, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल पूरा बात करते हैं दोनों के बारे में कि दोनों एक्टिव फॉर्म में कैसे होगा, कब होगा। तो ये बात बस अभी आप जान के रखिए कि यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और एक रोडियम कॉम्प्लेक्स, और इसको कम यूज करते हैं, इसको ज्यादा यूज करते हैं। एक चीज और आपको हम बता दें कि आपके सिलेबस में जो दिया है वो दिया है इसी को, तो जो कम यूज करते हैं उसी को दिया है। तो जो हम मैकेनिज्म करेंगे इसका, जो मैकेनिज्म करेंगे हाइड्रोफॉर्मेशन का, तो हम लोग इसी कैटलिस्ट के हेल्प से क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट कैटलिस्ट, ये सेकेंड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं रोडियम कॉम्प्लेक्स। देखिए ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और साथ ही साथ स्टेबल है। ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने आता है, आप निकाल के देख लेना, ये सब बताया हुआ है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, साथ ही साथ स्टेबल है, मींस ये आपका नॉन रिएक्टिव होगा, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें, एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ा देखिए, इसको हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे डाइहाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको H2, तो जैसे ही डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको बनेगा कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा। और ये भी जो है आपका, ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मींस ये भी अभी आपका एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ है। तो इसको क्या करना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो यहां से हमको एक थो क्या करना होगा, CO ग्रुप को निकाल लेना होगा। जैसे ही CO ग्रुप को यहां से निकालेंगे तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बोनिल के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहां पे जाके CO4 से CO3 में कन्वर्ट होगा और ये जाके आपका बनेगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दैट इज की एक्टिव फॉर्म बन गया। अब इसी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये CO जो है आपका कोबाल्ट जो है सेंटर में रहेगा और एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन दिखा दिए, तीन थो आपका कार्बोनिल है तो एक दो तीन कार्बोनिल दिखा दिए। आपको दिख रहा होगा कि ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हमको इस कैटलिस्ट का यूज करना होगा तो इस कैटलिस्ट को पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और जाके फिर इसको मैकेनिज्म में हम लोग यूज करेंगे, और इसका एक्टिव फॉर्म जो है आपका ये है, तो इसको हमको यूज करना होगा। थोड़ा सा बातें आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि इस रोडियम कॉम्प्लेक्स को यूज करना होगा तो इसको एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये जो आपका रोडियम कॉम्प्लेक्स है ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, आपको दिख रहा है, साथ ही साथ ये जो है आपका सैचुरेटेड है और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। अभी देखिएगा तो ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है और सैचुरेटेड है। अब इसको हमको करना होगा कन्वर्ट किसमें, एक्टिव फॉर्म में। जैसे इसको हम लोग नॉन रिएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किए, वैसे ही इसको भी हमको कन्वर्ट करना होगा एक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए थे, यहां पे देखिए 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, एक तो दो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मींस एक कार्बोनिल ग्रुप को यहां से निकाल दिए थे। वैसे ही यहां पे देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फिन जो है आपका, एक तो यहां से हम निकाल देंगे, दैट इज की PPH3 को निकाल देंगे। तो यहां पे PPH3 को निकालेंगे और इसका दो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, तो यहां से आपका जाके बन जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यहां 18 था, इससे एक PPH3 निकाल देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें कमी आ जाएगा और जाके बना लेगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और ये जो है आपका एक्टिव फॉर्म है और ये आपका रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा कैटलिस्ट के फॉर्म में। समझ गए आपको, क्या करेगा ये रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा।
अब ये जो है आपका कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेगा, मीन्स रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करेगा या तो फिर डिक्रीज करेगा, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा रिएक्शंस में, लास्ट में जैसा का तैसा निकल भी जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बातें समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म, मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शंस लिखे हैं कि हम लोग एल्किन से एल्डिहाइड बना रहे हैं, इसका मैकेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो फटाक से यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। कर लिए, चलिए मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए, 1 2 3। तो अब हम लोग जो है इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा यहां पे बनाया हुआ जो साइकिल दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हमसे उतना अच्छा ड्राइंग होता नहीं है। कुछ ड्राइंग का टाइप से साइकिल बनाना था, क्योंकि हमसे उतना अच्छा नहीं बना, तो आप अच्छे से बनाइएगा। देखिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग के जो सिलेबस में है दो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट अभी हम लोग पढ़े यूज कर सकते हैं, किसमें, हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। तो एक था आपका कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और एक था आपका रुडियम कॉम्प्लेक्स। ये दो टाइप का कॉम्प्लेक्स मीन्स दो टाइप का कैटलिस्ट को हम लोग को यूज करना है इसमें, इस प्रोसेस में। लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स वाला, कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है यही कैटलिस्ट आपको यूज करना है हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। तो ये आपको हम यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ये है आपका कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स CO2CO8। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, साथ ही साथ ये आपका स्टेबल है। तो ये स्टेबल है मीन्स ये आपका एक्टिव फॉर्म में अभी नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या किए हैं कि इसमें डाई हाइड्रोजन लाए हैं, डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए हैं। तो जैसे ही डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो ये जाके आपका बना कुछ ऐसा HCOCO4। ये भी अभी आपका 18 इलेक्ट्रॉन ही स्पीसीज है, जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो आपको जाके मालूम चलेगा ये भी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब क्या करेंगे कि यहां से एक कार्बोनिल को अगर हम निकाल दें तो एक कार्बोनिल के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां एक कार्बोनिल के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है, चार कार्बोनिल है तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हुआ है ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाने में कार्बोनिल का। तो यहां से अगर हम एक कार्बोनिल निकाल दें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहां 18 है, ये जाके आपका क्या बन जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा ये वाला। और ये जाके आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गया, मींस ये आपका एक्टिव कैटलिस्ट हो गया, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हम पहले भी यहां तक बातें बता चुके थे, लेकिन यहां पे जब हम साइकिल बनाए तो सोचे कि यहां से लिखेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसके चलते हम ये फिर से लाके आपको दिखा दिए। अब ये आपका एक्टिव कैटलिस्ट है, ये आपका रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो किसके साथ हम लोग रिएक्शंस करा रहे थे, ये एल्किन के साथ, CH2CHR के साथ, नहीं डबल बॉन्ड रहता है तो एल्किन बोलते हैं, ये सब बातें आपको मालूम है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में एल्किन आएगा और इसके साथ, दैट इज की एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट के साथ, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के साथ रिएक्शंस करेगा, और जाके आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये बना लिया 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिया, 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे कराते हैं माइग्रेशन इंसर्शन। देखिए माइग्रेशन इंसर्शन का दो टाइप्स, 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन और 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। जो हम पीछे क्लास लिए थे ये इसी चैप्टर का, उसमें हम ये चीज डिस्कस किए हैं कि 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन क्या होता है, एक बार फिर आपको समझा रहे हैं। इसमें देखिए होता क्या है कि लिगेंड जो है अपना साइट को, अपने स्पेस को वैकेंट करता है और दूसरे साइट पे जाके अटैक करता है, और दूसरे साइट पे अगर जाके जिस साइट पे अटैक किया उसी साइट से अगर आपका सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बने तो उसको बोलेंगे 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन। वही अगर उसके बगल वाले कार्बन एटम के साइड से मेटल के साथ बॉन्ड बने तो उसको बोलेंगे 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। बातें समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसी के एग्जांपल को लेकर के। ये देखिए आपका क्या है, लिगेंड है। ये लिगेंड क्या कर रहा है कि अपना स्पेस को वैकेंट करके, मीन्स अपना साइट को वैकेंट करके दूसरे साइट पे जाके अटैक कर रहा है। तो ये अपना
साइट को वैकेंट किया और दूसरे साइट पे जाके अटैक किया, मींस इस कार्बन के पास जाके अटैक किया। अब इस कार्बन के पास जाके अटैक किया तो यहां पे देखिए कार्बन ऑलरेडी पहले से चार बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे ही ये पांचवा बॉन्ड बनेगा कार्बन का टेट्रा वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, मींस ये मेटल और ये कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, सेंट्रल मेटल जो CO है उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा इसको बोलेंगे 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस आपका साइट पे अटैक किया था लिगेंड, उस साइट के बगल वाले कार्बन से जाके आपका क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसको बोलेंगे 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। अभी 1-1 का भी एग्जांपल आएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जाके आपका ये बॉन्ड बनाया और जाके कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये CH2 के साथ यहाँ बॉन्ड बना और ये CH2 पे ये हाइड्रोजन जाके अटैक हुआ और ये R, तो जाके आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम लोग क्या किए कि इसमें जो है हम लोग कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन किए, यहाँ पे CO2 लिखा गया है, इसको थोड़ा CO कर लीजिएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, पहले से देखिए आपके पास 1-2-3 कार्बोनिल ग्रुप था, अब देखिए 1-2-3-4 मींस नॉर्मल CO ग्रुप का एडिशन हो गया, तो ये हुआ स्टेप 3। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टेप 4 में कि फर्दर माइग्रेशन इंसर्शन करेंगे, और यहाँ पे जो माइग्रेशन इंसर्शन होगा वो 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन होगा। तो इस ये कॉन्सेप्ट और अच्छा से आपका क्लियर होने वाला है, इसको समझिए। ये देखिए आपका क्या है, ये है आपका लिगेंड। लिगेंड क्या करेगा कि अपना स्पेस को वैकेंट करेगा और दूसरे जाके साइड पे अटैक करेगा। तो अपना साइड वैकेंट किया और ये इस कार्बन के पास जाके अटैक किया, तो कार्बन के पास जाके अटैक किया, आपको दिख रहा होगा यही लिगेंड इस कार्बन के पास जाके अटैक किया और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ था वो बना लिया। और अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि जिस कार्बन पे जाके अटैक किया है उसी कार्बन से ये आपका सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना है, तो इसको बोलेंगे 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन। वही अगर इस पे अटैक करता और इसके साथ जाके बॉन्ड बनता तो इसको बोलते हैं 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन, जो कि वहां पे जो हुआ था। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, सेम कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है सिंगल मेटल के साथ, तो इसको बोलेंगे 1-1 माइग्रेशन इंसर्शन, ठीक है। अब क्या हुआ है स्टेप 5 में कि इसमें हम लोग डाइहाइड्रोजन का क्या किए हैं, एडिशन किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप को ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन किए हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। तो ये सब आप लोग खुद से निकाल के देखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्टिव इलिमिनेशन कर देते हैं, मींस यहां से आपका RCH2 CH2 CHO एल्डिहाइड को यहां से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये आपका रिडक्टिव इलिमिनेशन स्टेप है और फर्दर जाके आपका कुछ बन जाएगा एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। यहां पे देखिए जो भी हम बातें बोले थे वही हुआ, यहां पे हम क्या बोले थे, ये आपके पास क्या है, कैटलिस्ट है जो कि एक्टिव फॉर्म में था, ये रिएक्शंस किया एल्किन के साथ, एल्किन के साथ रिएक्शंस किया और जाके आपका बना लिया ये जो है आपका एल्डिहाइड। एक चीज जो हम आपको बताए थे कि यहां पे देखिए दो कार्बन है और यहां जो एल्डिहाइड बना वो एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ बना, किसके साथ बना, एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ बना। तो सबसे पहला चीज जो हम बताए थे वो चीज समझ में आ गया। सेकेंड चीज हम क्या बताए थे कि कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शंस के रेट को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, और रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद वो जैसा है वैसा का वैसा बाहर निकल जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। वही काम हुआ, ये आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट एल्किन के साथ रिएक्शंस किया, पूरा चार पांच ये प्रोसेस चार पांच स्टेप काम किया और जाके आपका जो क्या किया, एल्किन से जो बनना था आपको एल्डिहाइड वो एल्डिहाइड बना लिया और फर्दर जैसा का तैसा वो अपने आप निकल गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो उम्मीद है कि सारा बातें यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये जो है आपका कैटलिस्ट, इसको हम लोग कम यूज करते हैं जनरली, और वो जो हम रूडियम वाला बताए थे उसको थोड़ा सा हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, हालांकि सिलेबस में आपका यही है, लेकिन दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है उसको देख लेते हैं। इसको कम यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बस तुरंत बता देते हैं, 2 मिनट और लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं, 1-2-3। अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों कैटलिस्ट को एक को कम एक को ज्यादा क्यों हम लोग यूज करते हैं, मींस
ये जो है आपका कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग कम यूज करते हैं, वही रुडियम कॉम्प्लेक्स को ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा क्यों? मीन्स इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, इसको कम यूज करते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस है, इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डिसएडवांटेजेस सबसे फर्स्ट क्या है, दिस कैटलिस्ट ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स इस कैटलिस्ट को ऑपरेट करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर बोले तो क्या, इसका टेम्परेचर 140 से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वही बात करें इसका प्रेशर का, तो इसका प्रेशर होना चाहिए 200 से लेकर के 250 एटीएम। मीन्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए, जो कि क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकेंड इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको हम लोग कम यूज करते हैं, वो है टू टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड जो है फॉर्म करता है ड्यूरिंग फॉर्मलाइजेशन। मीन्स जब इसका हम लोग हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स का एल्डिहाइड मिलता है। सबसे फर्स्ट वन इज स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड, इसको कि हम लोग एन एल्डिहाइड ही बोलते हैं, और सेकेंड वन इज ब्रांच चेन एल्डिहाइड, इसको कि हम लोग आइसो एल्डिहाइड ही बोलते हैं। तो दो टाइप्स का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और इसका की रेशियो क्या होता है, 3:1। 3:1 रेशियो जो है अच्छा रेशियो नहीं माना जाता है। मीन्स ये जो है आपका सेलेक्टिव नहीं होता है, ये सेलेक्टिव नहीं होगा, तो इसी के चलते इसको हम लोग यूज करते हैं बट बहुत कम यूज करते हैं। तो आपके सिलेबस में यही था, इसी के चलते इसका मैकेनिज्म हम आपको बताएं, बट इसको यूज हम लोग कम करते हैं। वही बात करें रुडियम कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि इसका क्या एडवांटेजेस है, कि इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है, ये जो है ऑपरेट होता है लो टेम्परेचर और प्रेशर पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए 90 to 120 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें प्रेशर का, तो 50 to 100 atm प्रेशर पे काम बन जाएगा। यहाँ पे इसका लगभग लगभग डबल रिक्वायरमेंट हो रहा था, यहाँ पे उसका 50% के आसपास में ही काम हो जा रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। सेकेंड बात करें कि इसका जब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन करेंगे इसका टेस्ट के थ्रू, तो ये भी दो टाइप का देगा आपका एल्डिहाइड। वन इज स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड एंड अनदर वन इज ब्रांच चेन एल्डिहाइड। क्या देगा, एक देगा आपका स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड और अनदर वन ब्रांच चेन एल्डिहाइड। और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 16:1, जो कि आपका क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। मीन्स ये जो है आपका ज्यादा बेटर है इसके कंपेरेटिवली, तो इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। वही बात करें कि इसको यूज करने के पीछे एक और कारण है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, और ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा तो इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इसी के चलते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन दैट इज की ऑक्सो प्रोसेस जिसको बोलते हैं, उसमें आपको इतना ही पढ़ना था। ये आपका सिलेबस में सेकेंड टॉपिक के नाम से लिखा हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, तो नए लेक्चर में नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।